तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि मिठाई को हम कैसे रीयूज करें। तो फ्रेंड्स हम ना पार्टी में गए थे, तो पार्टी में देखिए आंटी ने ना बहुत सारे हमें ये गेवर दे दिए थे क्योंकि उनके यहाँ पर बच गए थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक कटोरी चीनी लेकर उसमें आधी कटोरी पानी मिलाया और उसकी चाशनी बना ली। उसके बाद देखिए दो गिलास मैंने दूध गर्म किया, उसमें मैंने 1.5 कप डाल दिया है मिल्क पाउडर। अब फ्रेंड्स घर की रबड़ी बनानी थी क्योंकि ये वेस्ट नहीं करने थे। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया, ये देखिए हमारी चाशनी तैयार हो गई है। चाशनी बिल्कुल चिपकने वाली होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैं डिप करके अच्छे से देखिए मैंने इनको कर लिया है तैयार। तो इस तरह से आप डिप करके इनको कर लीजिए। और फ्रेंड्स छोटे छोटे जो ये घेवर होते हैं ना बड़े ही सुंदर लगते हैं और खाने में तो फ्रेंड्स इतने लाजवाब लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इनको कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने घर की ही रबड़ी बना ली थी। अब घर की रबड़ी के लिए मेरे पास देखिए मैंने मिल्क पाउडर रखा था, तो मैंने उसी को ऐड करके देखिए यहाँ पर रबड़ी तैयार कर ली है अपनी। और इसमें मैंने आधा कप चीनी डाल करके देखिए इस तरह से रबड़ी तैयार की थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रबड़ी बन करके तैयार हो गई थी मेरी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पर लगा लिया है, अच्छे से आप इसको लगा लीजिए। तो देखिए बड़े अच्छे लग रहे थे ये छोटे छोटे से घेवर ना, बड़े ही सुंदर लग रहे थे। तो मैंने सभी को देखिए इस तरह से यहाँ पर कोट कर दिया है और उसके ऊपर से देखिए डाल दिए हैं मैंने बादाम को क्रश करके। तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे बाज़ार से अभी अभी आए हैं। और फ्रेंड्स ये इतने सारे थे ना कि मैंने सारे ही बना लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स हमने बहुत दिनों तक ये खाए, कई दिनों तक हमने इनका मज़ा लिया, बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। तो फ्रेंड्स कभी भी ऐसी कोई मिठाई बच जाए ना आपके भी, तो इस तरह से आप रीयूज़ कर सकते हैं घर के कुछ ही सामान से। तो मैंने घर पर ही जो सामान रखा था ना उसी से देखिए ये तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स दिखने में जितने ये टेस्टी लग रहे हैं ना, खाने में फ्रेंड्स ये उतनी ही ज़्यादा लाजवाब थे। तो आप भी देखिए फ्रेंड्स इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं कोई भी मिठाई को। तो मैंने देखिए वेस्ट नहीं की है, उन्होंने बड़े प्यार से दी थी मुझे ये कि मैं इनका रीयूज़ कर लूँगी, कुछ मैं बना लूँगी क्योंकि मैं अक्सर वीडियो बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इस मिठाई को रीयूज़ किया और देखिए तैयार है हमारा छोटा छोटा सा घेवर। चलिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।